ये देखिए, ये सिला हुआ नमकीन है। आपके यहाँ अभी नमकीन आता है और सिल जाता होगा, और जब सिल जाता है तो आप क्या करते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं क्या करती हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है और हम लोगों की अपनी रेसिपी जो भी हम बना रहे हैं उसको और बेटर करने का, और उसको मैं इसी से और भी अच्छा करती हूँ और मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, ये आलू है, आलू नमकीन है आलू का, और ये सिल गया है। ये खाओ ना तो अब सिल गया है। इसमें इसमें पड़े हैं बादाम, बादाम को हम करेंगे बाहर, और इसका भी बहुत अच्छा यूज़ है इस बादाम का। जब भी कोई ग्रेवी वाली आप सब्जी बनाते हैं इसमें पीस के मसाले में के साथ मत पीसिएगा, मसाले के साथ नहीं पीसना है, मतलब उसी में पीस के उसको ग्रेवी में डाल दीजिए, क्योंकि ये भी ना सिल गया है। आप चाहे तो अवन में सेक सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों की सब्जी जो भी हम लोग अपनी रेसिपी बनाएंगे उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है इसको यूज़ करने से। तो सिले हुए नमकीन भी यूज़ हो जाते हैं बहुत अच्छे से, और हम लोगों की रेसिपी भी और टेस्टी बन जाती है। तो चलिए दिखाती हूँ, बादाम मैंने बाहर कर लिया। तो ये सबसे पहले हमने थोड़ा सा लहसुन लिया है, बिल्कुल क्वांटिटी हम कम बना रहे हैं, इसलिए क्वांटिटी आपकी ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा लहसुन ले लीजिएगा। थोड़ी सी अदरक है, इसको हम लोग कूट के निकाल लिया। बिल्कुल थोड़ा सा मटर लिया है हमने, इसको भी थोड़ा सा हम लोग कूट लेंगे, मतलब थोड़ा सा बस उसको फोड़ लेंगे मटर को, कच्चा मटर है। ऑयल कढ़ाई रख दिया हमने, ऑयल गरम हो गया है, बिल्कुल 1 चम्मच हमने ऑयल डाला है। इसमें डालेंगे हम लोग थोड़ा सा जीरा, मतलब 1 चम्मच, और इसी में अपने कूटे वाले लहसुन और अदरक भी डाल देंगे। देखिए एक तरफ, और एक तरफ डालेंगे हम लोग ये हरी मिर्च और गाजर, इसी में साइड में डाल देंगे, सब पकता रहेगा। साथ ही में चाहें तो और भी कोई भी मनपसंद वेजिटेबल डाल सकते हैं। ये मैश किया हुआ आलू है, मैंने 3 आलू लिया हुआ है, इसीलिए हम कह रहे थे ना क्वांटिटी कम है, इसीलिए सारी चीज़ों की क्वांटिटी कम ही रहेगी। आलू की क्वांटिटी कम है तो बाकी सब चीज़ों की क्वांटिटी कम रहेगी। इसी में डालेंगे हम लोग कुछ मसाले, डालते हैं उससे पहले जो मटर हमने कूट लिया था थोड़ा सा, मतलब क्रश किया था, उसको भी बहुत जल्दी पक जाएगा क्योंकि हमने इसको क्रश कर दिया है। काली मिर्च है, ये मसाला है, और ये पाव भाजी मसाला है। बहुत टेस्ट अच्छा आता है इसमें, इस मसाले का, इसलिए इसमें आप जब भी ये बनाएं तो इसमें पाव भाजी मसाला डाल देंगे तो उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। नमक स्वाद के अनुसार, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी यानी 2 पिंच, आमचूर पाउडर, इन सभी को कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और थोड़ा सा भून भी लेंगे, सब भून जाएंगे धीरे धीरे इसी में, सब साथ में ही हमने भून लिया इसको। गैस को करते हैं बंद, होने देते हैं ठंडा। ये सिंपल ब्रेड है, ये आपके पास अगर सैंडविच वाला बड़ा ब्रेड है ना, बड़े साइज वाला, तो वो ज़्यादा अच्छा है, पर मेरे पास यही है तो इसीलिए मैंने इसे किनारे हटा लिए हैं, और इसको करते हैं तैयार। हमारी जो स्टफिंग है वो भी तैयार है, ठंडी हो गई है, और हम लोगों को चाहिए थोड़ा सा पानी, नॉर्मल 1 ब्रेड का टुकड़ा लेंगे, एक एक करके सभी बनाएंगे, एक नहीं बनाएंगे। हाथ में ऐसे पानी लगाएंगे और दोनों तरफ ऐसे करके इसको पुश कर देंगे। देखिए ऐसे, हर ये जब किनारे किनारे होते हैं ना उसको खास तौर से, और पानी लगाने से और भी फायदे हो जाते हैं, ऑयल कम ऑब्जर्व करता है, ये तो ब्रेड ना ऑयल बहुत ऑब्जर्व करता है जो कि सही नहीं है। देखिए एकदम पतला
हो गया, हम लोगों ने हाथ से ही दबा दिया इसको से करके, आप इसको दबा दीजिए, बिल्कुल रोटी की तरह हो जाएगा। अब ये देखिए, इसमें हम लोग अपनी जो फिलिंग तैयार की हुई है ना आलू की और बाकी सब चीजों की, देखिए इसमें डालेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से, बहुत आराम से ये बन जाएगा और स्वाद तो अच्छा ही है, आपको पता ही है। ये देखिए हो गया रोल, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप घबराइए नहीं, खुलेगा भी ये नहीं, क्योंकि आगे का जो मैं आपको बताऊंगी उससे ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ऐसे कर करके सभी को कर लेंगे तैयार। देखिए ये तैयार है हमारा रोल, बिल्कुल अच्छे से देखिए, है ना, एकदम बढ़िया से। अभी हम लोग इसको बनाएंगे और बहुत ज़्यादा बढ़िया बन जाएगा। देखिए ये मैंने मैदा लिया है, इसी चम्मच से, 3 चम्मच है, ज़रूरत के अनुसार ही लेना है कम ज़्यादा। और इसको हम लोग घोल तैयार करेंगे। देखिए घोल हमारा है एकदम रेडी। से हम लोगों को थोड़ा सा फेंटना है, मैं बताना भूल गई आपको, अच्छे से फेंट लेंगे थोड़ा एकदम से, ताकि ना थोड़े बहुत इसमें बबल बन जाए, ताकि और सॉफ्ट और स्पॉन्जी बहुत अच्छा सा रोल आपका तैयार होगा। देखिए देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे बबल बने हुए हैं ना, यही थोड़े से ही बबल बना लेंगे हम लोग तो अच्छा हो जाएगा। हमारे नमकीन की बारी अब, यानी इसकी ज़रूरत आ गई। हमने इसको मिक्सी में महीन कर लिया है। देखिए एक रोल लेंगे हम लोग, इसमें डालेंगे और इसमें से डाल के हम लोग इसमें इसको डाल देंगे, कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है इसकी वजह से, बहुत ज़्यादा। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आप देखेंगे कि आप ना इंतज़ार करने लगेंगे कि सिल जाए नमकीन तो हम लोग रोल बना लें, बहुत बढ़िया बनता है। ऐसे करके ये देखिए, है ना, ऐसे करके मैं सभी को तैयार कर लेती हूँ। देखिए ये बिल्कुल रेडी है हम लोगों का, ऑयल भी हमने गर्म होने को रख दिया है। ऑयल को करना ये है कि बिल्कुल पहले हाई, बिल्कुल तेज गर्म कर लेंगे, और गर्म करके फिर उदम से हम लोग फ्लेम को मीडियम कर देंगे, तब इसको उसमें फ्राई होने के लिए डालेंगे। देखिए धीरे धीरे आराम से मैं सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, इतना ही पड़ेगा एक बार में। देखिए एक तरफ का हो गया है, अब मैंने इसको पलट दिया है, दूसरी तरफ भी सेक लेते हैं, फिर सर्व करते हैं। आपको कैसा लग रहा है आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ये हम लोगों के सिले हुए नमकीन का यूज़ का आइडिया आप मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। ये बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में, या ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार, बहुत मज़ा आता है, चाहे बच्चे हो और चाहे बड़े, जिस चीज़ के साथ आपको पसंद हो, हरी चटनी, लाल चटनी, सॉस, कुछ भी, चाय, कॉफ़ी, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। और आप मुझे भी बताइएगा कि ये आइडिया मेरा आपको कैसा लगा। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।